बोल सदगुरुदेव की जय। नानक गौरव दंत कबीर साहेब की जय। बोल परमात्मा कृष्ण भगवान की जय। आज मैं सबसे पहले तो मेरा परिचय यह है कि मैं संत चरण रज से मैं नानी ए पदवा मनवा लीधा छे मानी। मेरे सदगुरु रुखी रामदास गोविंदराव बापू और हाल अध्यक्ष गादीपति और मेरे सदगुरु जो है चिमना जी बापू, मैं वाल्मीकि हूँ। तिलक हमें कबीर का है, कबीर साहब का उपदेश है हमें और हम वंश वाल्मीकि के हैं। मेरा नाम दयाल, आप संतों के चरण का दास दयाल देव जी चौहान। मेरे सदगुरु ने जो मुझे समझाया है, मेरे सदगुरु के सांदप्य पे बैठ के मैंने जो समझा है वो ही मैं आपके सामने कहता हूँ कि जीवन की धारा में संसार बड़े मनोरंजन में चला गया था और उस वक्त मेरे पिता श्री देवजी बापू ने मुझे उठा के गुरु के चरण में डाल दिया। जब गुरु के चरण में गया तो गुरु की दृष्टि ऐसी हुई कि क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति, मैं धन्य तुम्हारे चरणों में, मैं धन्य हो गया और मेरे गुरु महाराज ने मेरे ऊपर यह दया की। जीवन में हमें ये ज्ञान की वर्षा जो हो रही है तो इस वर्षा को जीवन में उतारना जरूरी है। हमारा जीवन एक बहुत अमूल्य जीवन है तो आज मैं भगवान श्री कृष्ण की गीता का मैं इतना अभ्यास नहीं जानता हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन जो सुना है भगवान का वचन, क्योंकि वहाँ में तो भगवान के वचन की ज़रूरत है। भगवान के वचन पे हम चले गए, परमात्मा के वचन पे, गीता के वचन पे हम चले गए तो मार्ग पे आ जाएंगे। भगवान श्री ने कहा कि अरे हर जगह मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ। अज्ञानियों के अंदर में जीव स्वरूप में हूँ और ज्ञानियों के अंतर में मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। आत्मा में, आत्मा स्वरूप मेरा ज्ञान है और इस आत्मा को जानने के लिए सदगुरु के शरण में अर्जुन को भी भेजा कि मुझे सही सही जानना है तो ऐसे गुरु की शरण में जा जो ब्रह्मनिष्ठ आत्मज्ञानी हो, सर्वे शास्त्रों को जानने वाला हो। तो ऐसे शरण में जाने के लिए हमें ऐसे सदगुरु की तलाश करनी पड़ेगी। सदगुरु की तलाश करनी पड़ेगी, ढूंढोगे, हमें ढूंढने पड़ेगा। हे गुरु बैठे हुए पड़े हुए, जगत में कोई खाली नहीं पड़ा हुआ है, संसार संतों से भरा पड़ा हुआ है। संतों के चरणों में जब हम जाएंगे तो संतों के चरण से कहते के तीर्थ में फल एक है, फिर फल संत मिले फल चार। तीर्थ हम जाएंगे तो एक फल होगा कि हमारी चित्त की शुद्धि होती है, हमें वहाँ संतों के दीदार होते, भक्तों के दीदार होते, ऋषि मुनियों के दीदार होते। मानव जाति के ही दीदार कर रहे हैं ना हम, ये मानव को ही दीदार है। तो मानव तो है, जब पांडव यज्ञ के अंदर अश्वमेध यज्ञ हुआ था और बड़ा हलचल के बाद ये यज्ञ संपूर्ण हुआ तो अर्जुन ने भगवान श्री से पूछा कि प्रभु इतने ऋषि मुनि ब्राह्मण और स्वयं आप और ये यज्ञ एक नीची जाति से हो गया संपूर्ण। सुदर्शन प्रसन्न ऋषि ने उस सब यज्ञ को संपूर्ण किया था, उनके आगमन से ही संपूर्ण हुआ था। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम कुछ देखना चाहते हो,
तो चलो मेरे साथ। तो नदी किनारे ले गए, नदी किनारे लाखों लोगों आए हुए थे, उन्होंने सबने अपने अपने पितरों के दिए पानी में डाले हुए थे नदी के अंदर, तो उसका बहुत बड़ा प्रकाश हो रहा था। भगवान श्री ने बताया, बोला देखो अर्जुन पानी में देखो, ये ऋषि मुनि ब्राह्मण सब दिख रहे, क्या दिख रहे। जब अर्जुन ने उस पानी में देखा तो कोई गधा, कोई घोड़ा, कोई बिला, कोई बंदर, कोई क्या क्या ऐसे रूप दिखने, ऊपर देखे थे सब ऋषि मुनि ब्राह्मण और सब जनता दिख रही। जब युधिष्ठिर को देखा तो धर्मराजा का रूप देखा पानी में और बाहर युधिष्ठिर। अर्जुन ने अपने आप को देखा तो इंद्र राजा थे, और जब भगवान श्री को देखा तो चतुर्भुज स्वरूप में भगवान थे नदी के अंदर। और जब उस सबत्सन ऋषि को जब देखा तो बाहर भी ऐसे थे और अंदर ही ऐसे थे, तो बोला प्रभु ये कैसे कि बाहर भी मनुष्य और अंदर भी? बोला तो एक ही तो मानव था जो तेरा घर का अन्न खाया और तेरा उद्धार हो गया, एक ही मानव। तुम सबसे पहले हमें मानव बनना पड़ेगा, मानव बनोगे तो राम बन जाओगे, मानव ही राम बनोगे, क्योंकि मानवता जो राम ने दिखाई है वो मानवता कोई नहीं दिखा सकता। तो मनुष्य हमने सबसे पहले बनना, मनुष्य जन्म हमें इसीलिए मिला है कि हम मनुष्य बन जाए सबसे पहले, क्योंकि हम है तो मनुष्य लेकिन हमें ज्ञान नहीं कि हम क्या है, हमें ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान हमें जब रामचंद्र, श्री रामचंद्र जी बहुत उदास हो गए थे, सीता का हरण हो गया था और रोने लग गए थे, उदास हो गए थे, मोह में पड़ गए थे, तब गुरु महाराज ने, विशिष्ट मुनि ने उन्हें समझाया कि राम आप कौन हो। तो बोला मैं एक राजा हूं। बोला हाँ राजा तो हो, लेकिन फिर रामचंद्र जी को अंतर दृष्टि में ले उतारा। जब अंतर दृष्टि में देखा तो आत्म स्वरूप में राम ही थे और सब जग से न्यारे थे और सब युग से अलग ही थे, कि राम को तब ज्ञान हो गया कि मैं कौन। तो गुरु महाराज के सिवा ऐसा ज्ञान समझने के लिए हमें सदगुरु की शरणागति लेनी पड़ेगी, और सदगुरु की शरणागति जब हम जाएंगे तो लाजमी हमें वस्तु का ज्ञान, संसार का ज्ञान भी तो लेना है, जीवन किस तरह गुजारना हमने। तो साधु जीवन गुजारो। साधु का मतलब यह नहीं कि जोगी मन के जंगलों में चले जाओ या बैठ जाओ, नौकरी धंधे नहीं करो, सब कुछ करो लेकिन साधना में लगे रहो, परमात्मा की साधना। साधना का अर्थ है परमात्मा की खोज करो, परमात्मा को जानने के तरफ अपनी प्रेरणा करो परमात्मा की तरफ, और प्रेरणा तब जाएगी कि गुरु के शरण में, जब कि सत्संग की गंगा बहती है गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरु के चरणों में जब हम बैठेंगे तो सत क्या है उसका संग पर गुरु महाराज ही करवा देगा, और यही गुरु महाराज के चरणों में जाने से हमें मिलेगा परमात्मा को। अरे परमात्मा के वचन को जानना है हम, देखो हम, हमें गीता में परमात्मा ने ज्ञान की वर्षा की, हमने उस ज्ञान को छोड़ के हमने कृष्णा को पकड़ना शुरू कर दिया हुआ। अरे ज्ञान को पकड़ो, जो उन्होंने उपदेश दिया हुआ उनको लो ना, जो उपदेश है गीता का, ए अर्जुन तू सर्व धर्म तजी मेरी शरण में आ जा। अर्जुन तू सब धर्म दे, तो ते उसकी शरण में किस तरह जाएगी, उसका स्वरूप क्या है? परमात्मा का स्वरूप तो ज्ञान है, उस कृष्ण भगवान का स्वरूप तो ज्ञान है। उस ज्ञान स्वरूप पे हम जब तक नहीं जाएंगे तब तक हमें मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष ज्ञान से होता है कि भक्ति कीजिए गुरु की, जा से उपजेगा ज्ञान, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं, कहे कबीर सतमान। ज्ञान गुरु ज्ञान, गुरु गम का ज्ञान, और जब तक हमारे अनुभव अनुभूति में नहीं आएगा तब तक हमें समझ नहीं पड़ेगी कि परमात्मा का स्वरूप क्या है। तब कृष्णा भगवान ने कहा है कि अर्जुन मेरा पार ब्रह्म परमात्मा स्वरूप तो एक ज्ञानी ही जान सकता है, ज्ञानी मुझे सही सही पहचानता है, ज्ञानी मुझे जानता है। हम सब तो
ये जो मूरत पूजा है, भगवान ने कहा कि ये मेरी मूरत पूजा है, ये अज्ञानियों के लिए है। मेरी मूरत पूजा अज्ञानियों के लिए, भैया गीता में कहा है भगवान, मेरी मूरत पूजा अज्ञानियों के लिए है। इसी से इनको ज्ञान होता होता है, एक दिन ये सिरगुण स्वरूप को जानते जानते ये अर्जुन मेरे निर्गुण स्वरूप को भी जान लेगा वो एक दिन, क्योंकि सिरगुण स्वरूप से हमने भक्ति हो, तो सिरगुण स्वरूप में हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए? चेतन की कर लो, चेतनीय की भक्ति करो। आत्मा भक्ति, आत्मा जिसके अंदर है, तो क्या भगवान श्री कृष्ण के अंदर आत्मा नहीं थी? कबीर के अंदर आत्मा नहीं था? राम के अंदर आत्मा नहीं था? तो आत्मा ही तो परमात्मा है, हम आत्मा को जानना है। आत्म ज्ञान बिना भटके चोराती, अरे रुखिराम दास बापू कहते हैं वही हमारो आत्मा, हमें उनके पास उनके साथ लगा रहो, कहे रुखी रामदास। पर इसके लिए जानो कोई सब शान पहचानो, गुरु की शान बिना नहीं मिलेगा। जानो कोई सब शान पहचानो, संतों की यही बलहारी, आप में है, आप तेरे अंदर ही है, आप में है, आप ताकि रह लो, कहे रुखी रामदास पुकारी। अरे तेरे अंतर घट में बैठा हुआ कृष्णा, तेरे घट में बैठा हुआ राम, तेरे घट में बैठा, उसको किस नाम से पुकारेगा तू? अरे वो तो अनामी है, लेकिन तूने कोई धारणा डाल के तो कृष्णा कह दे कि राम कह दे, लेकिन आत्म पूजा बिना, क्योंकि सबसे बड़ा देवी आत्मा है, आत्म देव बिना कोई दूसरा देवी नहीं, वही तो सब देवों का देव है, सब देवों का देवी वही सा आत्मा देव। आत्म ज्ञान बिना भटके चोराती, कोई मथुरा कोई काशी, अरे क्या सतनामी, सतनामी हम जो कबीरपंथी है, क्या सतनामी क्या दशनामी, अरे गुरु बिन कोई नहीं पावेगा स्वामी, गुरु के बिना कोई नहीं स्वामी। ऐसे सदगुरु की चरणों में जा, ए अर्जुन ऐसे गुरु की चरण जा, मुझे सही सही जानता हो, सही सही पहचानता हो। तो ज्ञानी जो आत्म ज्ञानी है, आत्मा ही गुरु है। गुरु क्या है? गुरु शब्द है, गुरु समझ है, गुरु मार्ग है। शब्द को समझ गया वो गुरु है, फिर मार्ग बन जाता है गुरु, ये जीव को उतारने के लिए मार्ग बन जाता है। फिर वही तो शब्द ही के सोम शब्द से काज है, सुन लियो संत मत सदी, सोम शब्द ही लही पहुँचे, सत सत कहे कबीर, ये गुरु का वचन है। ये सत सत कह रहे, सदगुरु कह रहे कि तू मेरी बात मान ले, तू सुन ले वचन हमारा, मैं तोहे तरक करूँगा भाव पार। गुरु की शरणागति में सदगुरु के, तू अपने आप को भूला, भूले हुए हम भूल गए, हम क्या वचन लेके आए, क्या संसार में आए, कौन सा वचन आए, ए परमात्मा मैं तुझे ही याद करूँगा, मेरे और यहाँ आके भूल गए, तू वहाँ मैं यहाँ, तू वहाँ हूँ वहाँ, वहाँ वहाँ आते गए, वहाँ वहाँ हो गया ना सब, भूल गया, तू अपने आप को भूला। जो अजिया सी मंजारा, अरे बकरियों के संग में रह के छेला फिरे है गवारा, हम संग कर रहे किसका, इस शास्त्र पगजद में हम फंस गए, हमें हर शास्त्र हमें दूर दूर अलग अलग तरीके से बता रहा रहता, कभी इधर भटक रहे कधर, लेकिन सही रास्ता सदगुरु के चरण में, सदगुरु की शरणागति करोगे तो एक मार्ग परमात्मा का मार्ग बता देगा कि तेरा कोई शेष महेश गणेश रटे, कोई पूजत पीर पैगंबर, अरे सब पंथ ग्रंथ छुड़ा करके एक ईश्वर से मन जोड़ दिया। गुरु महाराज ईश्वर से तेरा मन जोड़ देगा और तेरा ईश्वर से भेंट करवा देगा, और सदगुरु की शरणागति यही है, और इस शरणागति के लिए हमने सदगुरु की शरणागति लेनी पड़ेगी। बोल सदगुरुदेव की जय।